जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में दो पार्ट्स, एक क्रमचय एक संचय। आप इस बात को समझिए खुशबू कि अब तुम्हारा क्रमचय खत्म, अब बहुत ही मुश्किल है कभी तुम्हें क्रमचय का कोई भी यूज हो आगे गलत में, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं, बहुत मुश्किल है कि आपको इसका यूज ना हो, चाहे इलेवेंथ में चाहे ट्वेल्थ में। संचय बहुत ही जरूरी है, और संचय में जिसने अपनी कमांड बना ली, यही एक चैप्टर है द्विपद प्रमेय, वहां दिक्कत, हर जगह दिक्कत। तो संचय में कमांड बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। इसलिए बहुत सारी ट्रिक स्टेप्स बताई जाएगी, आप उनको सोचेंगे अरे बात ताली बजाने के लिए, तो नहीं, वो आपके लिए। जितनी स्पीड में आप संचय गुणांक का मान निकाल पाएंगे उतने आप आगे बढ़ेंगे, वरना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे परेशानी। इस शुरू से ही बता दिया कि आप किसी भी चीज़ को ऐसा जोक नहीं लेना, इसमें हमेशा संचय बहुत जरूरी है। तो मैं आपको समझाता हूँ मेन क्या है, है तो बहुत सरल, आप भी जानते हैं क्रमचय डिराइव नहीं किए, अपनी सुविधा के लिए बनाए गए हैं ताकि हमको सरल लगे। तो मैं आपको अंतर समझाता हूँ क्रमचय में और संचय में। देखो बेटा, अंतर समझने के लिए बेटा हम लोग ABC के क्रमचय बनाएंगे। ABC क्या बनाएंगे? क्रमचय। लेकिन हमें तीन नहीं चाहिए, हमें तीन में से दो चाहिए। कितने चाहिए है? दो। तीन में से दो दो के क्रमचय बनाने हैं। तो एक क्रमचय बनेगा AB, एक बनेगा BC, एक बनेगा CA, एक बनेगा BA, CB, AC। क्रमचय में क्रम का बड़ा महत्व होता है। क्रमचय का मतलब ही होता है क्रमों का चयन, क्रमों का चयन। लेकिन संचय का मतलब होता है समूहों का चयन। अब आप इसी सवाल को प्रिंसी क्रिकेट मैच के तौर पर लें कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई खिलाड़ी है विराट, और ये कोई खिलाड़ी है रोहित, और ये है चहल या हार्दिक, जो भी है। तो अब आप बोले कि भाई इन तीन में से अपन दो दो की टीम कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो क्या आपका आंसर छः होगा? छः ही तो होगा, एक विराट रोहित की टीम है, एक रोहित विराट की टीम है, ये दोनों टीमें तो एक ही हुई। एक रोहित चहल की टीम हुई, एक चहल रोहित की टीम हुई, नहीं, ये दोनों टीमें तो एक ही हैं, और एक चहल विराट की और एक विराट चहल की, नहीं, ये तो अलग अलग है क्या? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है किसमें? संचय में। संचय में क्रम से क्या मतलब? समूह चुनना है। क्या चुनना है? समूह चुनना है। तो ये छः नहीं, ये कितने आ रहे हैं? तो अभी यार अपने छः इसलिए आ रहे हैं, हमें जो कई सूत्र पता है, तीन का फैक्टोरियल बटे तीन माइनस दो का फैक्टोरियल, तीन का फैक्टोरियल मतलब छः और इसका एक, तो वो तो छः ही आएगा। क्रमचय निकालो, क्रमचय। तो सर क्रमचय आदि कर दें क्या? अब वही तो देखना है, क्रमचय आदि कर दें क्या? तो एक और एग्जांपल, सपोज अपन को इसमें से तीन के क्रमचय बनाने, कितने के बनाने हैं? तो ABC BCA CA B, यार से खा दी है तो मैं, बोलते जाइए आप लोग, BAC CBA ACB, सही है, ये छः क्रमचय हैं, अलग अलग क्रम है सब में। अब बताओ ये टीम कितनी है? तीन टीमें हैं, हाँ तीन टीमें हैं, यार कैसी बात कर रहा है? इस टीम में विराट है, रोहित है, चहल है, इस टीम में रोहित है, चहल है और विराट है, और इस टीम, तो यहाँ देखो ये तो अलग है ना, इसमें है चहल, रोहित और विराट, ये तो अलग है टीम। तो छः कितने बचे? एक। अरे यार तुम्हारा तो कंसेप्ट फेल हो गया, तुमसे दो को भाग दे दो क्रमचय में, यहाँ तो काय का भाग जा रहा है? छः का। सोचने वाली बात है, यहाँ जा रहा था दो का और यहाँ जा रहा है छः का। दो मतलब दो का फैक्टोरियल, छः मतलब तीन का फैक्टोरियल, मतलब हमें इसमें भाग देने की आवश्यकता है किसकी? उस फैक्टोरियल की जो यहाँ लिखा है, मतलब यहाँ दो का फैक्टोरियल और यहाँ पे तीन पे तीन का सूत्र क्या होता है? तीन का फैक्टोरियल बटे तीन माइनस तीन का, और साथ ही साथ हमें भाग देने की जो यहाँ लिखा है, मतलब तीन का, तो ये पी बन जाएगा सी। समझ में आया? तो सूत्र बना NCR बराबर N का फैक्टोरियल बटे N माइनस R का फैक्टोरियल आएगा, पर इससे तो क्या आते हैं? क्रमचय। अब जो क्रम अपने अलग अलग बनाए हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, कि आगे फैक्टोरियल से क्या चला गया? भाग चला गया। तो आपके जो अलग अलग क्रम थे वो क्रम पूरे खत्म हो जाएंगे, केवल क्या आएंगे सामने? समूह आएंगे, ठीक है। तो क्रमचय ज़्यादा आता है, संचय छोटा आता है, ठीक है। अंतर समझ में आया, सूत्र समझ में आया, मस्त पढ़ा दिया कि नहीं? बस ये, अब आपको लग रहा है तो नॉर्मल चीज़ है, तो देख लो, पूछ लो जरा। अब मैं तो पूछो कि तुम्हें पता है क्रमचय? कुछ नहीं पता। आपको तो पता है ना क्रमचय, क्योंकि अपन ने कभी सवाल को सवाल से नहीं किया कि ये सूत्र सवाल करो। अपन ने पहले बताया, सबसे पहले तो वो प्रश्न वाली पढ़ाई जिसमें अपन ने मतलब खुद से किया था,
फिर अपन ने समझा कि यार सूत्र बना लो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पर दी पूरी में से पूरी लेने पड़ते, फिर दो लेने के अपन ने एक सूत्र बनाया क्रम चाय, और आज क्रम चाय से अपन एक चीज का पड़े संचय। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो गुरुदेव को बहुत अच्छे से पता, मुझे नहीं पता वो कैसे लग रहे हैं, लेकिन आगे जाकर अगर आपको क्रम चाय संचय पढ़ाएगा जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग पढ़ेंगे और आप मुझसे पढ़ने को बहुत सरल लगेगी, और साथ में आपको मेरी याद भी आई थी कि प्रॉपरली टाइप पढ़ना पड़ता है। बस हो गया, समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन पढ़ दो, अब क्या दिक्कत की बात है, बोल देना सूत्र, बोल देना एन सी आर बराबर एन का फैक्टोरियल बटे आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर, कोई दिक्कत, पढ़ो बेटा पढ़ो। पहला क्वेश्चन है बी सी टी टू, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सुनना है 20 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 2 का, 20 गुणित गए 19 गुणित गए 18 का, ऐसा क्यों लिखा है रोहित, तो 20 में से 2 गए, ये क्या हो जाए, और 2 का फैक्टोरियल 2 109, समझ में आया क्या बेटा। एक कपड़ा लेके आवन छोड़ी, पेन लीक करता है, इस वाले पेन को मार्क करो, इसमें बिल्कुल कम से ही भरा करो, 4-5 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़िए जल्दी, 13C10 13 का फैक्टोरियल बटे 10 का फैक्टोरियल, 13 माइनस 10 का फैक्टोरियल, 13 को लिखेंगे 13 गुणित गए 12 गुणित गए 11 गुणित गए 10 का, अच्छा 3 के फैक्टोरियल था लिखना, तभी तो कटता ही, पिछली बार तो ये काटा था, उससे क्या काटना में पागला हो गएगा, ये क्या हो गए कैंसर, 3 का फैक्टोरियल बोल दो बेटा, ये रहता 6, जब तक हमारे सपना ही कर लो यार, 11 दिया 33 की 3 हाथ में आई, 3 11 एकम 11 और 3 14, अच्छा ये बचे 12 और 6 दूनी 12, अरे 1 4 3 2 3 6 2 चौके 8 2 2 तुरंत, ठीक है और बताओ कितने खुश हो गए, कोई सूत्र कोई कंसेप्ट याद नहीं रहेगा, कोई ट्रिक है, ये सब चीज़ हमेशा बताओ जल्दी से बेटा, 12 सी 9, चलो 12 का फैक्टोरियल बटे 9 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 9, ये 12 माइनस 9 3 लिख सकते हो डायरेक्ट ना, टेंशन नहीं लिया करो जिंदगी में, लेकिन नहीं क्या, अरे अब रैन 12 11 10 बढ़ते गए और यहाँ पे 3 का यहाँ 9, ये कहा हो गए 10 11 110 12 6 ही लिख दिया डायरेक्ट, 6 कम 6 6 दूनी 220, अगला पढ़ो बेटा, शर्म नहीं आ रही, करो खुद बच्चों। अब हमें एक बहुत जरूरी चीज समझनी, यहाँ पे जितनी चीजें समझेंगे उसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुद्धि पॉइंट ऑफ व्यू से द्विपद में बहुत परेशान करेगा हमेशा। आज कुछ बच्चे हैं जब भी मैं सजाएगा वी कर तो सर इसका मानिए आएगा, इसका मानिए आएगा, तो लोग कहते हैं सॉल्व तो कर नहीं रहा, क्यों, उसने उस समय मेहनत कर ली जब उसको करनी थी, आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप पेपर के नहीं पढ़ रहे होते, आपने आपको इम्प्रूव करने के लिए भाई कि ये चैप्टर मुझे बनता है बहुत दाव से, पूछो क्या पूछना है, ऐसे कुछ चैप्टर्स तो होने चाहिए अगर पूरे नहीं हैं तो, ठीक है चलिए। तो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, पहले मेरी बात को समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा है 12C5, तो वो आएगा 12 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, ओ सॉरी 5 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 5 का फैक्टोरियल, मतलब कुल मिला के 12 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 7 का, मान नहीं निकालना है, मैं आपको बता रहा हूँ 12C7 निकालें, क्या निकालेंगे 12C7, 12 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 7, अब जरा बच्चों की तरह अपन बंद कर दें यार, क्या आप करेंगे ये बंद, 12 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल इंटू 5 का, अब देखिए इन दोनों को सॉल्व नहीं किया पर ये दोनों बराबर हैं, देखो क्यों है बराबर, क्योंकि देखो इसमें 5 का फैक्टोरियल पहले लिखा है, यहाँ 7 का लिखा है और यहाँ 7, बात तो वही है, बात तो क्योंकि इसमें r भी है और n माइनस r भी। एक और एग्जांपल लीजिएगा प्रिंसी, आप ध्यान जरूर दीजिएगा बेटा, 5C2, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 में से 2 गए 3, अब ये किसके बराबर होगा, तो मैं कैसे पता, क्योंकि 2 और 3 5, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए 2 का, बस ये 2 यहाँ आ जाता 3 यहाँ आ जाता, वहाँ का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 6 या 3 2 6, फैक्टोरियल का मान नहीं बोल रहे, बता रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गुणा में ऊपर आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, क्रम का पालन करता है, गुणा नहीं आया समझ, अगर समझ में आया तो बताइए 10C3 किसके बराबर होगा, 10C7, पर ये बराबर हो क्यों जाते हैं, सर बहुत सिंपल, देखो 10 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 10 में से 3 गए 7 का, तो जो 7 आना था वो अपन ने यहाँ लिख लिया घटा के पहले से, और 10 में 7 गए 3 का, तो वो 1 से आ जाते, समझ में आए, इनको अपन बोलते हैं बेटा पूरक संचय, क्या बोलते हैं, और ये संचय की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे इंपॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हें 6 दिए और 6 लाइन से हैं
छह लाइंस है, मान लो कोई ने बोला 7C1 7C2 7C3, इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताएंगे तुम खुद कहोगे अरे यार क्या चीज़ है। तो अब मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए 7C1 का मान 7 है, कितना है 7, तो 7C6 का मान भी 7 ही होगा, क्या होगा फिर 7 में 6 का 1, ये कहलाते पूरक संचय। अब बराबर क्यों होते, वैसे तो मैंने आपको 10 बार बता दिया बराबर क्यों होते, पर एक गजब की बात आप समझ लीजिए, पहले समझिए ध्यान से, 10C2 किसके बराबर होगा, 10 में से 2 गए आप बताइए 10C3 किसके बराबर होगा, 10 में 3 गए 7, अब मुझे बताइए 10C r किसके बराबर होगा, 10 r, क्या दिक्कत की बात हुई, दिक्कत है, अब मुझे बताइए NCR किसके बराबर रहेगा, NC n-r, समझ में आया कि नहीं है, अगर समझ में आया है तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे NCR तो क्या आएगा, n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, समझ गए, अब बताओ NCX, n का फैक्टोरियल x का फैक्टोरियल n-x का, अब x की जगह लिखो n-r, तो यहाँ क्या आएगा n-r का, और यहाँ n-r का, वो तो बाहर लगा ही है, क्या आएगा n का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल n-n+r का फैक्टोरियल, एल से एन n का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल इनटू, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही है, बस इसमें थोड़ा आगे पीछे, तो अगर आपको नहीं तो आप आगे पीछे देख लो क्या फर्क पड़ता है, इसके फालतू स्टेप ये क्रम मिलने का पालन करता है फलनफल, तो ये इसको आगे लिख लिया, इसको क्या लिख लिया पीछे, तो ये किसके बराबर हो गया NCR, तो कुल मिला के NCN-r किसके बराबर होता है NCR के, समझ में आया। अब मुझे बताइए अगर 10C(x) का मान 5 है तो 10C(x) का मान क्या होगा, 5 ही होगा, क्या होगा, समझ में आया नहीं आया, आया कि नहीं आया, पक्का, तो बताओ 5C(5) का मान कितना है 1, तो 5C घटाना पड़ता है, 5 में से 5 गए 0, 5C(0) होता है, 5C(0) होता है, समझ गए ना बेटा, नहीं समझे, चलो शून्य लोगों के समूह को चुनना भी एक प्रकार है, ठीक है, इनमें से कोई भी लोग ना चुनने के प्रकार, ये भी तो एक है, कोई को नहीं चुन रहे, एक चुन रहे, दो चुन रहे, वैसे कोई को नहीं चुन रहे, तो समझ में आया नहीं आया, समझ में पक्का आया कि नहीं आया, हाँ तो चलो यहाँ देखो, फिर दिया है NC18 बराबर NC12, यही दिया है कि नहीं दिया है, तो अब 18 और 12 तो बराबर होती नहीं, तो इसमें क्या लग गया होगा पूरक संचय, ये नहीं आया समझ में, समझा दे यार भैया, यार फिर लीकेज होने लगा है, कपड़ा लाए थे अंशुल तुम लीकेज के लिए, हाँ बताओ ये समझा दो, ये कैसे आ गया, इसकी जगह ये आ सकता है, इसी को तो क्या बोलते पूरक संचय, तो NC18 किसके बराबर हो जाएगा NCN-18, अब आप तुलना कर लो N-18 बराबर 12, N बराबर 12 प्लस 18 कितना आ गया 30, N बराबर 30, चेक कर लो 30, वहां मत देखो यहाँ देखो 30 से 18 किसके बराबर होगा, ऐसे कैसे समझाओ तो कैसे आए 30 में से 18 गए 12, मैं अपना आंसर सही, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो और देखो जरा और क्या लिखा बताओ जरा, NC14 बराबर NC16, बोलो आज तुम्हारा आंसर डायरेक्ट बोलो जरा जल्दी से, N का मान कब सीखोगे जिंदगी में यार, N का आंसर जल्दी 30, अरे 14 उस यार करना 18 12 कितने हुए 30 14 16 भी कितने हुए 30, हाँ यहाँ लगाएंगे कौन संचय पूरक संचय से, NC14 को अपन लिख सकते हैं NCN-14, लिख सकते नहीं लिख सकते, तो N-14 बराबर 16, N=30, लेकिन इसमें N का मान ही निकालना है, इसमें निकालना है 32C(n), क्या निकालना है 32C(n), मतलब 32C(30), 32 का फैक्टोरियल बटे 30 का फैक्टोरियल, 32 में 30 गए 2 का, 32 गुणित गए 31 गुणित गए 30 का फैक्टोरियल बटे 30 का फैक्टोरियल इंटू 2 16, 30 के बटे 30 बटे 16 एकम 16 की 6 हाथ में आई 1 16 3 48 और 1 49, समझ में आया क्या नहीं, यहाँ पे गौर करें प्रिंसिपल बेटा ध्यान दें,
अभी हमने एक महत्वपूर्ण गुणधर्म सीखा जिसका नाम है पूरक संज्ञा, और ये बहुत काम में आने। अब हम उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण गुणधर्म सीखेंगे। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप 7C0 का मान निकालें। 7 का फैक्टोरियल बटे 0 का फैक्टोरियल, 7 में से 0 गए 7, ये क्या हो गए 0 का फैक्टर होता है, समझ में आया। अब आप 7C0 की जगह 6C0 का मान निकालें। ऐसे कैसे आएगा 6 का फैक्टोरियल 0, 6 में से 0 गए 6 का, ये कैंसिल हो गए। अब बताइए 10C0 का मान, 5C0 का, 50C0 का, तो क्या सीखे NC0 का हम मान निकालें तो N का फैक्टोरियल बटे 0 का फैक्टोरियल N माइनस 0 का N का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1, यहाँ बचे हैं, ये हुआ है कैंसिल, 1 बटे 1 कितना आ गया 1, तो क्या सीखे जमाने में NC0 का आना बेटा क्या होता है 1। हाँ सो नहीं, बहुत काम में आएंगे। अब अगर पूरक संचय लगाएं, क्या लगाएं, तो NC0 किसके बराबर होगा, NCN माइनस 0, मतलब NCN N का फैक्टोरियल बटे N का फैक्टोरियल N माइनस N, ये कट गए 1 बटे 0 का फैक्टोरियल, वो तो आएगा ही बराबर ना, अपना पूरक संचय खराब हो जाएगा। तो बताओ जरा 5C0 का मान और 5C5 का मान, खुद समझिए ना। अगर मेरे पास 5 प्लेयर हैं और मुझे 5 ही लोगों की टीम बनानी है तो मैं एक ही टीम बना पाऊंगा, जो 3 ABC थे और 3 ही लोगों की टीम, तो मैं एक ही टीम बना पाऊंगा, उसमें क्या चेंज नहीं आया, समझ क्या आया, 3 ABC का 6 क्रम चाहे, लेकिन टीम तो एक ही है, चाहे ABC बोल चाहे BC, 3 लोग हैं टीम, नहीं आया सर। तो अगर मेरे पास 5 टीम तो मैं एक ही प्रकार से बना सकता, और कोई प्रकार से तो बना नहीं, समझ में आया। वैसे अगर 5 में से मुझे एक भी टीम तो ये भी प्रकार हो गया, एक भी व्यक्ति हमने नहीं चुना है ना, एक चुनने के अलग होते, दो चुनने के अलग होते, वैसे एक भी व्यक्ति ना चुनने का प्रकार भी एक है कि नहीं चुना, नहीं समझे, 5 टॉफी है, 5 में 2 चुनने के प्रकार, 3 चुनने निकाल सकते हैं, वैसे एक भी टॉफी नहीं चुनी तो ये भी तो क्या हो गया, एक प्रकार हो गया। तो भैया बताओ नहीं चुना हमें, नहीं खाना है। चलो अब देखो ध्यान से, अपन तो वो खाते हैं बिमल, असली की कश्मीरी केसर हो सब। चलो अब अगली चीज़ बेटा, आप लोग इन चीज़ों को अगर जोक में ले रहे हैं तो आप खुद जोकर बन जाएंगे। ये ट्रिक्स जो हैं लोगों को बताई नहीं जाती, सवाल करते लोग निकल लेते हैं, फिर उनको संचय मेन अपन को निकालना है, कंसेप्ट आ जाए अपने, सवाल तो अभी कराएंगे, बात वाले आते हैं आपको, देखो क्रमचय पहले बात कराई पर संचय पहले ये करा रहे हैं, तो गौर क्यों नहीं किया आप लोगों ने, क्रमचय पहले मैंने बात करी, संचय में बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संचय में सीखना बाकी सब पकड़ लेंगे। चलो बताओ जरा, फिर ध्यान देना जरा पढ़ा, 5C1 सुन ले यार भाई यार, 5C1 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 4 का, 5 बढ़ गए 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया 5, 4C1 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 4 बढ़ गए 3 का फैक्टोरियल, 1 3 का फैक्टोरियल, क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 4, 6C1 6 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 6 में से 1 गए 5 का फैक्टोरियल, 6 बढ़ गए 5 का फैक्टोरियल, 1 कितना आ गया 6, क्या सीखे 5C1 क्या आया 5, 4C1 क्या आया 6C1 क्या आया 7C1 क्या आएगा 10C1 क्या आएगा NC1 क्या आएगा। अरे खुद समझो ना यार, मेरे पास 10 लोग हैं और मुझे एक व्यक्ति की टीम बना, एक व्यक्ति की टीम 10 अलग अलग बना लो, 10 बन गई 10, नहीं समझे, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो अब अगर आप पूरा संख्या लगाए तो 5C1 किसके बराबर होगा, 5C4 4C1 4C3 6C1 और NC1 NCN1। तो या तो 1 लिखा हो या 1 कम लिखा हो, या तो 1 लिखा हो या 1 कम लिखा हो, जो कहते हैं ऊपर का आंसर आ जाता है। अब बताओ 10C1 का मान और 10C9 का मान, वही एक कम है, मतलब वही बात तो वही है, नहीं आया समझ। चलो बताओ फिर गौरांग C1 का मान, समझ गया गौरांग, चलो पढ़ो क्या लिखा फिर सी बात, NC1 N का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 का फैक्टोरियल 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा लें तो इसको लिखेंगे n, एक कम किया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्या हो गए तो NC1 का मान क्या होता है n। ये सिद्ध करने से आप ध्यान रखना कि अब ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे, समझे कि नहीं समझे। फिर बेटा हीरा ठाकुर बोलो बेटा, हाँ हाँ हमें नहीं आ रही आवाज़ ही नहीं आती है, 5C1 बोलो
अरे 5C1 नहीं बोलना है अपन को, NCN-1 निकालना है पूरक संचय वाला, क्या आएगा? N का फैक्टोरियल बटे N-1 का फैक्टोरियल, और N-1 का थक गए, इसको लिखेंगे N इंटू N-1 का बटे में क्या लिखा N-1 का, क्या हो गए N-N+1 का NCN, N/1 का फैक्टोरियल, N/1 कितना आ गया N। समझ में आया दोनों चीजें? तो इस ट्रिक से क्या मिलता है हमें, कुछ मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, बिना करे आंसर मिलते। बोलो पहला क्वेश्चन 5C1 आंसर 5C4। अरे तुमने जो बोला तुम बोल दो, बाकी छोड़ो। 5C1 5C4 5C0 5C5 7C0 7C7 9C0 9C9 9C8 ऐसे करोगे तो 9C बन जाओगे, है ना? संचय का मन बहुत स्पीड में चाहिए, हंसी की बात नहीं, हंसी के पात्र अभी अपन को नहीं बनना है, अपन को बहुत आगे बढ़ना है जीवन में। समझ में आई बात कि नहीं है? चलो ठीक हो बेटा।